सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, वहीं 5 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी प्रचार की कमान जम्मू कश्मीर में संभालते हुए नजर आएंगे। 5 रैलियां करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुखिया जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए बड़ी जानकारी, पहले तो मतदान का प्रतिशत जो रहा है दूसरे चरण के लिए 57 वहां पर रहा है, और साथ ही साथ अगर हम समझने की कोशिश करें पहले चरण से ये थोड़ा कम जरूर दर्ज किया गया। दूसरी तरफ चुनावी प्रचार की कमान संभालते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारियां इन दोनों दिग्गजों के दौरे से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है उसमें वो 5 रैलियां करेंगे जम्मू संभाग में आज, और वहीं योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां आज के लिए हैं और 2 रैलियां कल के लिए। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि आखिरी चरण के मतदान है, तीसरे चरण का मतदान है, और इसमें जो है 40 सीटों पर मतदान है जिसमें से अधिकतम सीटें जम्मू संभाग की हैं, तो ऐसे में अब भाजपा की जम्मू संभाग में अच्छी पैठ है और वो चाहते हैं कि अब जम्मू संभाग में पूरी ताकत झोंकी जाए ताकि जम्मू संभाग से ज्यादा से ज्यादा वोट लेकर, सीटें लेकर वो एक बार सरकार बनाने का दावा पेश कर सके। बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का जम्मू पर है। हम विकास आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पहले चरण के मतदान में 61% तक वोटिंग दर्ज की गई थी, उससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन दूसरे चरण के मतदान में 57% तक मतदान क्यों हुआ, वजह क्या इसकी बताई जा रही है? क्योंकि अगर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू में कल हमने देखा जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद थे, माता वैष्णो देवी, वहां पर काफ़ी संख्या में वोटर्स थे, तो वजह क्या बताई जा रही है? अच्छा, श्रीनगर में जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कल भी वोटिंग के दौरान कि काफ़ी कम प्रतिशत मतदान हुआ, आज भी जिस तरह से कल आंकड़े सामने निकल कर आए, यही सवाल होगा कि आखिर श्रीनगर में वोटिंग का परसेंटेज इतना कम क्यों रहा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो श्रीनगर की वोटिंग की परसेंटेज की बात करें, अगर हम 2014 की बात करें तो उससे 2% ज्यादा ही है, क्योंकि 2014 में 27% हुआ था और इस बार 29% हुआ, तो कहीं ना कहीं 2% ग्राफ बड़ा है। लेकिन हालांकि अगर हम बाकी इलाकों में देखें जहां पर 2 जिले थे जहां पर विधानसभा के चुनाव थे, वहां पर वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हालांकि श्रीनगर में कम है लेकिन पिछले के मुकाबले जरूर 2% ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वापस जमहूरियत की तरफ आ रहे हैं, लोकतंत्र की तरफ आ रहे हैं, तो लग रहा है जो आने वाले अब जो तीसरे चरण में चुनाव होंगे उसमें वोट प्रतिशत जरूर ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि जो पिछले कल कटरा की विधानसभा थी जहां पर माता वैष्णो देवी जो विधानसभा नाम रखा गया, वो पहली बार विधानसभा क्षेत्र बनाया गया, वहां पर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। हम सुबह से वहां खड़े थे और शाम 6 बजे तक वहां पर लाइनें लगी थी, तो अब लोग जो है खासकर युवा जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस लोकतांत्रिक पर। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि तीसरे चरण में वोटिंग का जो प्रतिशत है वो और बढ़ेगा। अच्छा, तीसरे चरण के बारे में भी विकास में आपसे समझ लेती हूँ कि क्या क्या अहम मुद्दे तीसरे चरण के रहने वाले हैं, कौन कौन से क्षेत्र बेहद अहम होने वाले हैं वोटिंग के लिहाज से? देखिए, तीसरे चरण में जम्मू जो खास है जिसकी 4 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसमें बहुत बड़ा मुकाबला, और आज जो है इसी को लेकर जो है स्मृति ईरानी भी जम्मू पहुंच चुकी हैं, वो भी यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगी, लोगों से मिलेंगी। और उसके अलावा अगर बात करें जितने भी जम्मू क्षेत्र हैं, चाहे कठुआ हो, हीरानगर, सांबा, जो बेल्ट एरिया है हमारे यहाँ का, बॉर्डर बेल्ट एरिया, आरसपुरा, यहाँ के लोगों की समस्याएं जो है, यहाँ के किसानों की समस्याएं हैं, उनको संबोधित करना जो एक भाजपा को अब लगातार लोगों से संवाद करना पड़ेगा। और जिस तरह से रैली चल रही है पूरे बनी बसोली उधमपुर की सीट है, बिल्कुल देखिए, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे विकास, देखिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में से एक हैं, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार कई बार दौरा कर चुके हैं जम्मू कश्मीर का, ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब चुनावी प्रचार की कमान संभालते हुए 2 दिन नजर आएंगे, आपने जिक्र किया 3 रैलियां आज हैं और 2 कल हैं, तो क्या लगता है वोटिंग प्रतिशत में बीजेपी के जरूर इजाफा क्या देखने को मिलेगा, कितनी पॉपुलैरिटी जम्मू में योगी आदित्यनाथ के लिए?
जी पॉपुलैरिटी तो योगी आदित्यनाथ की बहुत जम्मू ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में है, काफी ज्यादा है। और ऐसे में जम्मू में जहां जहां जैसे आरएसपुरा जो है बॉर्डर बेल्ट है वहां पर उनका एक रैली है, उसके अलावा छम वो भी बॉर्डर एरिया पड़ता है वहां भी रैली है। तो कहीं ना कहीं 370-35 के बाद जो कार्य किए गए हैं पिछले 10 साल में जो विकास कार्य उनको लेकर योगी आदित्यनाथ जो है जरूर बोलेंगे और उसी के दम पर ही जो वोट की बात की जाएगी। हालांकि ये जो इलाके हैं यहाँ के लोगों की अपनी दिक्कतें हैं बॉर्डर्स की, हालांकि लेकिन एक बात जब हमने इन इलाकों का दौरा किया उन लोगों से बात की उन्होंने ये जरूर कहा कि पिछले 10 साल में यहाँ पर गोलाबारी रुक गई है, अन्यथा उनको बाहरी इलाकों में जाकर शरण लेनी पड़ती थी जब भी पाकिस्तान से गोलाबारी होती थी, लेकिन पिछले 10 साल में वो खत्म हो चुके हैं, वो अपने घरों में रहते हैं, अपने फसलों को काटते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्स फैक्टर जो है जरूर प्ले करेगा, योगी आदित्यनाथ की रैलियां लग रहा है कि इन इलाकों में सफल रहे। बिल्कुल, देखिए विकास आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि 10 सालों में हालात जरूर बदले हैं, ऐसा बॉर्डर पर रह रहे लोगों का कहना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।